नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं गोविंद माधव स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल माधव एंड ब्लॉग में। तो कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है रेलवे क्वार्टर दिखाइए कैसा क्या है। तो गया था मैं तो अपने मित्र के यहाँ, छोटा सा वीडियो शूट कर लिया था। तो दिखाना चाहूँगा आप लोगों की रेलवे क्वार्टर। और ये रेलवे क्वार्टर टाइप 2 है, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 टाइप के क्वार्टर रहते हैं। टाइप 2 रेलवे क्वार्टर है ये, ठीक है। तो देखिएगा आगे, आपको थोड़ा जानकारी मिलेगी कि कैसे क्या रेलवे क्वार्टर होते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि रेल जो है हम लोगों को फ्री में रहना अलाउ करती है। तो ऐसा नहीं है, रेलवे जो है फ्री में नहीं रखती है अपने एम्प्लॉयज को। उनका HRA कटता है अगर वो क्वार्टर अलॉट अपने नाम पे करवाते हैं। HRA जो होता है वो काट लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये कई लोगों को, मतलब मेरे से ही कुछ लोग बोलते हैं सरकारी उसमें रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। तो कई लोग तो ये बोलते हैं सीधे कि रहने का तो फ्री रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, रहने का फ्री नहीं होता है, उसका HRA कटता है। जो भी HRA आपको मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो आपका काट लिया जाता है, आप गवर्नमेंट में रहते रहिए। अगर आप बाहर रह रहे हैं, गवर्नमेंट आपने अपने नाम पे अलॉट नहीं करवाया है, तो आपको वो HRA सैलरी के साथ में लग के मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे वीडियो, थोड़ा सा जो है एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके का रेलवे का क्वार्टर होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए वीडियो। इन सीढ़ियों से ऊपर आके ये एंट्री है मेन, ठीक है। यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं। ये एक रूम ये हो गया, इधर ये छोटा सा किचन भी है, ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है यहाँ पर। इसके आगे बढ़ के ये वॉशिंग एरिया हो गया, वो बाथरूम है और ये टॉयलेट हो गया, ठीक ठाक है ना। ठीक है। ये बाथरूम है, पानी की टंकी ऊपर रखी हुई है। तो यही है बस, सरकारी क्वार्टर तो ऐसे ही होते हैं। ये बरामदा टाइप मान लो इसको, सामने जो वो गेट लगा है, वॉच जो लगी हुई है घड़ी, वो आपका किचन है। किचन के बाद एक रूम ये है, अब ये पूरा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि किसी दूसरे का घर है तो थोड़ा सा संकोच लगता है ना। और एक रूम ये है जिसमें टीवी लगा रखी है, बेडरूम टाइप से बना लिया है। दोनों सेम है, बराबर है, किसी को बेडरूम किसी को कुछ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही 2 BHK कह सकते हो इसको, क्योंकि 2 हो गए वो। फिर उसके बाद छत पर चलते हैं, छत का नज़ारा दिखा देते हैं। भाई 2 रूम और एक हॉल तो है ही, तो 2 BHK हो गया। किचन भी है, लेटरिन बाथरूम अलग सेपरेट हो गया। ये छत है, काफ़ी पुराने बने हैं तो उसी हिसाब से हैं। ये देखो वही सरकारी रंग। ये बाहर का नज़ारा, सब इसमें यहाँ पर सारे एक ही जैसे हैं। और रेलवे क्वार्टर टाइप 2 अलग टाइप के भी होते हैं। ये बेबी खड़ा हुआ है उनका, तो यही है। आप लोगों ने कहा था तो मैंने कहा लाओ दिखा देता हूँ, और कुछ नहीं है खास, ठीक है। तो ये जो अभी आपने वीडियो देखी, ये मेरे मित्र का रेलवे क्वार्टर है जिन्होंने अपने नाम पे अलॉट करवा रखा है। अब वो छोड़ने वाले हैं क्योंकि उन्होंने अपना मकान बनवा लिया है। बहुत अच्छी बात है, हर कोई चाहता है कि अपना मकान हो जाए। तो इन्होंने अपना मकान बनवा लिया है, तो ये शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं देखने गया था, इसीलिए उस समय मुझे भी रेलवे क्वार्टर लेना था तो देखने गया था, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट किया था। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ इसको, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। बस थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जा रहा है वीडियो लाने में, आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा जॉब का शेड्यूल इस तरीके का है तो कुछ ब्लॉग बनाने का टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात ज़रूर कि जो भी वीडियोस देखा करिए अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक करिए। और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।